तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी कि 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म शैतान, जिसने फिलहाल सिनेमाघरों में तहलका मचा रखा है और फिल्म ने सारे सिनेमाघर हाउसफुल कर रखे। दोस्तों, साल 2024 में आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखी। हालांकि अगर सबसे बड़ी फिल्म की हम बात करें तो फाइटर ही सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन फाइटर के लिए भी हमने ऐसा क्रेज नहीं देखा था। हालांकि अपने सेकेंड डे पर फिल्म फाइटर ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन दोस्तों जो रौनक है फिलहाल सिनेमाघरों में शैतान ने लौटाई है वो वाकई देखकर अच्छा लग रहा है और काबिले तारीफ कलेक्शन कर रही है फिल्म शैतान। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शैतान फिल्म पीछे नहीं रहने वाली है। दृश्यम 2 जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई थी, फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़कर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी, ठीक वैसे ही कुछ शैतान भी कर रही है। और शैतान फिल्म से जो उम्मीदें थी दोस्तों, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, उम्मीदों से कई गुना ज्यादा ये फिल्म कलेक्शन कर रही है। फिल्म बहुत ही छोटे बजट की थी, उतना ज्यादा बजट था नहीं फिल्म का, लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर कोई फिल्म बढ़िया होगी, जनता जनार्दन को फिल्म कोई पसंद आएगी, तो फिल्म का बजट कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितने बड़े बजट पे फिल्म बना रहे हो, कितने छोटे बजट की फिल्म बना रहे हो, ये जनता है ये तय करती है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी या नहीं। अगर फिल्म में जान होगी तो फिल्म को चलने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म शैतान ने सिनेमाघरों में आज पूरे 6 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात कर लूंगा कि शैतान फिल्म अपने पहले 5 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और आज अपने 6वें दिन यह फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, और फिल्म का 6 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिल्म शैतान की, तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। शुरू से लेकर आखिर तक इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ मजा है, लेकिन लास्ट के जो 20 मिनट है वो शायद कुछ अलग ही लेवल के हैं। लेकिन फिलहाल शैतान फिल्म का जिस तरह से इंतजार था, पब्लिक ने बिल्कुल उस इंतजार को जाया होने नहीं दिया। लेकिन सबसे पहले तारीफ करनी होगी फिल्म के मेकर्स की, जिस तरह से फिल्म को डायरेक्ट किया गया है और जिस तरह से आर माधवन, अजय देवगन, जानकी बोदीवाला, ज्योतिका ने अपनी परफॉर्मेंस निभाई है, वो वाकई देखकर अच्छा लगता है। मतलब फिल्म सिनेमाघरों में रोक कर रखती है। कोई फिल्म ऐसी होती है कि जरा सी देर में उसमें इंसान बोर होने लगते हैं कि यार चलो यार ये क्या बना दिया, बकवास फालतू में। लेकिन शैतान फिल्म में वैसा कुछ नहीं है, बहुत थ्रिल है, आपको बांधे रखती है बस। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म शैतान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कि विकास बहल के डायरेक्शन में बनी है, जिसको प्रोड्यूस किया है विकास बहल, ज्योति देशपांडे और अजय देवगन ने। फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ ज्योतिका, आर माधवन और जानकी बोदीवाला अहम किरदारों में नजर आए, और फिल्म का जो बजट वो 80 करोड़ रुपए से भी कम का था। वहीं फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 4200 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिल्म का आज 6वां दिन कैसा रहा, क्योंकि कल के मुकाबले आज फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है। क्योंकि कल 5वें दिन फिल्म ने जो कलेक्शन किया वो तो किया ही, लेकिन कल 5वें दिन से ज्यादा आज ये फिल्म कलेक्शन कर रही है, और आज की एडवांस बुकिंग भी ज्यादा थी, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी वो भी ज्यादा थी। तो फिलहाल अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 10% की थी, फिर आफ्टरनून में 13% की ऑक्यूपेंसी रही। दिल्ली एनसीआर में मॉर्निंग की 9% की ऑक्यूपेंसी थी, फिर उसके बाद आफ्टरनून में 14% की ऑक्यूपेंसी रही। पुणे के अंदर जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 14% की थी, फिर आफ्टरनून में 13%। बेंगलुरु में 6% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 8%। हैदराबाद में 13% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की, उसके बाद आफ्टरनून में 12% की। कोलकाता में 6% की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी, फिर 12% की आफ्टरनून में। यानी कि मुझे लगता है कि अभी इवनिंग और नाइट के जो शोज होंगे ना, वो हाउसफुल ज्यादातर रहने वाले, क्योंकि फिल्म के पास अभी भी काफी अच्छे खासे शोज है। अहमदाबाद में भी फिल्म के पास मॉर्निंग की जो 7% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में वही रही। अहमदाबाद में उतना खासा रिस्पॉन्स मिला नहीं है फिल्म को। चेन्नई की अगर बात करें तो यहाँ पे मॉर्निंग की 11% की ऑक्यूपेंसी थी और आफ्टरनून में 21% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि सीधा डबल। सूरत में मॉर्निंग की 5% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 8% की। जयपुर में मॉर्निंग की 11% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 16। और चंडीगढ़ में जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 8% की थी, फिर उसके बाद आफ्टरनून में 12। यानी कि कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स मिला है, जैसा सोच रहे थे वैसा ही, क्योंकि आफ्टरनून वर्किंग डेज पर। दोस्तों, ये देखना और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वर्किंग डेज होते हैं ना,
उसमें अगर आपको मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 11% है और उसके बाद अगर जो 2-4-5% का भी आफ्टरनून के शोज में उछाल आ जाता है तो आप मान के चलिए कि वो फिल्म सिर्फ उछाल मार रही है, नीचे नहीं जा रही है। भोपाल, लखनऊ सभी जगहों पर यही हाल चल रहा है और फिल्म के पास हर शहरों में अभी अच्छे खासे शोज है। तो मुझे लगता है कि अभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा उतनी ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उछाल ही अभी फिल्म के कलेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फिल्म शैतान अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 15 करोड़ 21 लाख रुपये करने में कामयाब रही थी। वहीं फिल्म का दूसरे दिन का सैटरडे का कलेक्शन था 19 करोड़ 18 लाख रुपए। तीसरे दिन संडे को फिल्म ने 20 करोड़ 74 लाख रुपए कमाए थे और चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 7 करोड़ 81 लाख रुपए। और दोस्तों बात करूंगा मैं पांचवें दिन की, तो पांचवें दिन का जो ऑफिशियल कलेक्शन रहा वो रहा 6 करोड़ 57 लाख रुपए। पांचवें दिन की बात कर रहा हूं मैं, पांचवें दिन 6 करोड़ 57 लाख रुपए फिल्म ने कमाए। और दोस्तों मैं कहूंगा आज छठवें दिन फिल्म का अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बताई, तो मुझे उम्मीद है कि इवनिंग और नाइट के शो जो होंगे वो ज्यादातर हाउसफुल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये फिल्म कम से कम 7.5 से 8 करोड़ रुपए करेगी, 7.5 से 8 करोड़ रुपए। तो फिल्म की जो टोटल कमाई है वो हो जाएगी 77 से 78 करोड़ रुपए के बीच में। 6 दिनों की पूरी टोटल कमाई मैं बता रहा हूं आपको, 77 करोड़ से 78 करोड़ के बीच में, यानी कि 77.5 करोड़ रुपए के आसपास, 77.50 करोड़ रुपए के आसपास। अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो यह आंकड़ा फिल्म का 112 करोड़ रुपए तक पार कर जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है और अभी आने वाला वीकेंड यानी कि फ्राइडे सैटरडे और संडे एक बार फिर से योद्धा रिलीज हो रही है, जानता हूं, मगर मुझे पता है कि योद्धा से फिल्म शैतान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। योद्धा अपनी जगह कमाई करेगी और शैतान अपनी जगह कमाई करेगी, ये आप देख लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने कौन से शहर कौन से सिटी में फिल्म शैतान देखी है कमेंट में जरूर बताइएगा।